अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास है टोयोटा रिवो। इसको हम ड्राइव करके दिखाएंगे और इसकी ऑप्शनों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, तो करते हैं शुरू। ये इसकी चाबी है, इसमें सिर्फ तीन ऑप्शनें हैं। इससे जो गाड़ी को इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो अलार्म बजेगा, ये की अनलॉक है, यहाँ से गाड़ी अनलॉक होगी और यहाँ से लॉक होगी। तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे। और ये पुश स्टार्ट गाड़ी है, जैसे कि आप ये बटन देख रहे हैं, इस बटन पे आपने उंगली रखनी है और नीचे पाँव पे आपने ब्रेक रखनी है। तो ब्रेक पे पाँव रखने के बाद आपने इस बटन को प्रेस कर देना है, गाड़ी होगी हमारी स्टार्ट। जिस तरह आप मीटर देख रहे हैं, मीटर में अभी लाइटें ऑन है, अभी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। तो मीटर होंगी, लाइटें होंगी ऑफ, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें एक ये लाइट ऑन है, तो इस लाइट का मतलब है कि आपकी हैंड ब्रेक जो है वो लगी हुई है। तो हैंड ब्रेक को रिमूव करने का जो तरीका है, आपने इस बटन को आगे से यहाँ से प्रेस करना है और थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के इसको नीचे कर देना है। तो यहाँ पे हैंड ब्रेक आपकी रिमूव हो गई। तो अब अगला प्रोसीजर जो है वो आपका ये होता है कि आपने सीट बेल्ट ज़रूर लगानी होती है। तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। सीट बेल्ट जब लगाएंगे तो ये जो लाइट अंदर ब्लिंक कर रही है, ये ब्लिंक करना छोड़ देगी, ये लाइट बंद हो गई। इसी तरह अगर आपको मीटर की ज़रा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो मीटर में ये जो नीचे आपकी ये गेज देख रहे हैं सुई, ये इसकी डीजल की है। ये मेरे पास टोयोटा रिवो है तो इसमें डीजल डलता है, तो ये डीजल की है। या अगर पेट्रोल होता तो ये ऊपर निशान भी बना हुआ है, ये पेट्रोल या डीजल की है। इसी तरह ये जो आगे आपको एक सुई नज़र आ रही है और ये स्पीडोमीटर, ये आपकी स्पीड शो करता है कि आपकी गाड़ी की कितनी स्पीड है। जिस तरह ये अभी ज़ीरो पे खड़ा है, 20, 40, 60, 80, 100, इसी तरह 200, 180 तक, जहाँ तक 120 तक गाड़ी चलानी चाहिए मोटरवे, वैसे आम जो शहर में रूटीन होती है उस हिसाब से चलाना चाहिए। इसी तरह ये जो है नीचे इधर आ गई गेज, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है अगर हीटअप हो रही होगी तो ये हीटअप शो कराता है, आपकी गाड़ी गर्म सर्द के बारे बताता है। और ये जो साथ है अगली जो सुई आपको नज़र आ रही है, ये आपको आरपीएम के बारे में बताती है। आरपीएम मसलन रेस, तो जैसे ही मैंने देखा रेस दे रहा हूँ तो इसके आरपीएम ऊपर नीचे जा रहे हैं। बाकी इसी तरह ये नीचे जो है ये आपकी 7.7 जो नज़र आ रहा है, ये एवरेज है इसकी, ये डीजल एवरेज 7.7 दे रही है। इसी तरह नीचे जो है ODO लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी टोटल गाड़ी कितनी चल गई है। हमारी गाड़ी 70,533 किलोमीटर चल गई है। ऊपर जो है ये आउटसाइड लिखा हुआ है, ये गाड़ी का टेम्परेचर बता रहा है। इसके ऊपर P लिखा हुआ है, तो P का मतलब है आपकी गाड़ी इस वक्त पार्किंग में खड़ी है। तो जिस तरह यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी गाड़ी P पे खड़ी है। तो अब गाड़ी को ड्राइव करने का क्या तरीका, P पे आपकी गाड़ी खड़ी है और हमेशा जब भी आप गाड़ी खड़ी करें तो आपकी गाड़ी P पे होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, ब्रेक पे पांव रखना है। ब्रेक पे पांव रखने के बाद आपने गियर को एक पॉइंट पीछे लेके आना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये R पे आ गया है और गाड़ी के मीटर में भी R शो हो गया है। तो R का मतलब है रिवर्स, ये बैक कैमरा भी आप देख रहे हैं ऑन हो गया है। तो अब आप गाड़ी जो है इजीली आप ब्रेक से पांव उठाएंगे तो आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, बैक रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक पॉइंट और नीचे आते हैं तो अब आपकी गाड़ी आ गई है न्यूट्रल पे। तो न्यूट्रल का मतलब है कि आपकी गाड़ी जिस तरह मैनुअल गाड़ी होती है आप उसका गियर निकाल देते हैं, ये यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में आपका इस टाइम गियर है। इसके नीचे आप एक पॉइंट ले आएंगे तो यहाँ पे अब ये D मोड में आ गया। D का मतलब है ड्राइव। तो आप इस गाड़ी को आप ब्रेक से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी आपकी चलना शुरू हो जाएगी, ये देखें। तो ड्राइव मोड का मतलब है ड्राइव, D का मतलब है ड्राइव। तो इसके साथ आप एक देख रहे हो और भी ऑप्शन है, S का निशान लिखा होगा, S और ऊपर प्लस है, नीचे मनफी का निशान। तो इसके इस पे आप जब आप लेके आएंगे और आप ये मीटर में भी देख लें कि D शो हो रहा है, और अगर आप इस पे ऑप्शन पे ले आते हैं आप S पोजीशन में, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को मैन्युअली आप ड्राइव कर सकते हैं। इस गाड़ी को आप बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। तो इसी तरह ये S देखें लिखा हुआ आ रहा है S4, तो ये इस टाइम 4 गियर में खड़ी है। अब 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इस गाड़ी में 6 गियर हैं।
तो ये यहाँ पे आप मैनुअल गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको नीचे की तरफ करते जाएंगे तो गियर कम होते जाएंगे। ये जिस तरह मीटर में भी शो रहा है S1 आ रहा है, S2, S3, S4, तो ऊपर की तरफ करेंगे तो गियर बढ़ते जाएंगे और इसी तरह नीचे की तरफ करेंगे तो गियर निकलते जाएंगे। तो इसको आप वापस कर लेते हैं पी पार्किंग में। ये तो गाड़ी चलाने का तरीका था, गियर लगाने का तरीका था। इसी तरह अगर आप इस गाड़ी में देखें तो यहाँ पे 4x4 की भी ऑप्शन है। मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस मुकम्मल वीडियो आप देखें, आपको गाड़ी के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये टोयोटा रिवो है मेरे पास, तो 2021 मॉडल का ये टोयोटा रिवो है, डीजल इंजन 2.8 लीटर। तो अगर आप इसको आप 4x4 पे चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ H2 पे ही चलाई जाती हैं आम रूटीन में। लेकिन अगर आपने इसको 4x4 करना है तो आप इसको ब्रेक पे पाँव रख के, बल्कि ब्रेक पे पाँव भी रखने की ज़रूरत नहीं, आपने इसको प्रेस नीचे थोड़ा दबा के आपने S4 कर देना है। और मीटर में भी देखें ये लाइट 4 व्हील्स की नज़र आ रही है, 4 व्हील्स लॉक हो गए। और अगर आपने इसको Low 4 पे करना है तो आपने इसको और पुश करके आगे ले जाना है, तो यहाँ पे आप Low 4 में चले जाएंगे। और इसी तरह आप साथ में ये बटन भी प्रेस कर देंगे तो ये देखें डबल इंडिकेटर अंदर आना शुरू हो गया था। इसका मतलब है कि आपके जो L4 पे 4 एक्सल जो हैं वो लॉक हो गए हैं। और इसी तरह इसका निकालने का तरीका भी है, आपने पुश करके इसको H4 पे लेके आना है। और इससे आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि H4 के बाद आपने इसको नीचे प्रेस नहीं करना, और नीचे प्रेस करने से ये कभी भी H2 पे नहीं जाएगा। इसको आपने बाहर थोड़ा सा खींच के तो फिर आपने इसको H2 पे करना है, तो फिर ये H2 पे जाएगा। तो ये आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी 4x4 की। और इसी तरह अगर आप इसको ड्राइव मोड में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसको बड़े आराम से इजीली तरीके से चलती हुई गाड़ी को भी आप H4, H2 और L4 कर सकते हैं। और इसके बाद इस अगला जो ये प्रोसीजर है ये इसका AC का है। अगर आपने AC चलाना है तो पहले आपने इस बटन को जो है इसको आपने ऑन करना है। तो आप थोड़ा घुमाएंगे तो ये आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। AC का बटन मेरा पहले ही ऑन था, इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। आपने ये फ़ैन चल गया और अब आपने AC का बटन प्रेस किया तो AC चल गया। और इसी तरह अगर आपने अपनी गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ाना कम करना है तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये इस टाइम 26.5 पे खड़ा है, तो आप अगर ने टेम्परेचर लो करना है नीचे लेके आना है तो आप इसको इस तरफ घुमाते जाएंगे तो ये टेम्परेचर आपका लो हो गया। और इसी तरह अगर आपने हीटर चलाना है तो आपने AC बंद कर देना है और आपने 26 से ऊपर जब जाएंगे तो अब ये हीटर चलना शुरू हो गया है, ये हीट की तरफ चला गया है। तो अभी वैसे गर्मियाँ हैं इसलिए मैं इसको AC पे ही रखता हूँ और लो पे कर लेता हूँ बिल्कुल, और AC वाला बटन ऑन कर देता हूँ। नीचे जो आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही हैं इससे ये बटन ऑन करेंगे तो इससे ये है कि आपकी बाहर की एयर थ्रो आनी शुरू हो जाएगी, अंदर की बल्कि सॉरी, और ये बटन ऑन करेंगे तो इससे आपकी बाहर की थ्रो जो है वो अंदर आएगी। इसी तरह यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो ये फ्रंट के जो स्क्रीन है उस पर आपकी थ्रो जानी शुरू हो जाएगी। और अगर साथ वाला बटन प्रेस करते हैं इससे आपके चेहरे की तरफ और पाँव की तरफ और सिर्फ पाँव की तरफ और फ्रंट स्क्रीन और पाँव की तरफ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी AC की। और इसी तरह अगर आपने ऑफ़ करना है तो ये बटन दबा दें तो ऑफ़ हो जाएगा, और अगर आपने ऑटो AC चलाना है तो आपने ये बटन प्रेस करना है तो AC आपका ऑटो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आगे जो ये LCD लगी हुई है इसका भी आपको पता ही होगा, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपने स्टेयरिंग पे जाना है तो स्टेयरिंग भी आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम है और इससे आप कोई भी सॉन्ग्स है वो आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर कुछ भी चल रहा है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। ये सेंसर का है, ये इसी तरह मोबाइल को कनेक्ट करने और डिसकनेक्ट करने का है। ये जो बटन लगे हुए हैं ये सारे मीटर के लिए हैं। यहाँ से आप अपनी रीडिंग शीडिंग जो है या आप अपनी एवरेज पेट्रोल एवरेज वो सारी देख सकते हैं। और अगर नीचे इसकी लीवर की बात करें तो ये आपका क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है, इसको आप बटन को प्रेस करेंगे। इस पर भी मैं एक वीडियो मुकम्मल बना चुका हूँ। ये देखें मीटर में लाइट ऑन हो गई है और दोबारा प्रेस करेंगे तो चली जाएगी। ये भी आप गाड़ी जब 60 से ऊपर जा रही होती है तो तब चलाएंगे तो आप क्रूज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये लीवर देख रहे हैं तो ये इंडिकेटर है और इसी से लाइटें भी ऑन होती हैं। और ये देखें ऊपर की तरफ करेंगे तो आपने राइट मुड़ना है, और अगर आप नीचे की तरफ ले आएंगे तो आपने राइट मुड़ना है, और इस तरफ ले जाएंगे तो आपने लेफ्ट मुड़ना है। और इसी तरह
साथ जो ये दूसरी साइड पे लीवर लगा हुआ है इससे आप अपने वेपर कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह ये देखे मैंने एक दफा प्रेस किया है तो वेपर चलना शुरू हो गए हैं। तो आज की जो मुकम्मल वीडियो है बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा ये इसके जो हैं बटन्स हैं इससे आप अपनी जो है दरवाज़ों के शीशे आप देखें ओपन क्लोज कर सकते हैं। और ये ऊपर जिनके ऊपर AAA लिखा हुआ है तकरीबन ये फुल ऑटो हैं, और इसी तरह यहाँ से आप अपने गाड़ी के जो वो शीशे हैं इनको आप रोटेट मिरर भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें बटन प्रेस किया और शीशे बंद हो गए, ये यहाँ ओपन खुल गए, और यहाँ से आप इन्हीं शीशों को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये गाड़ी का लॉक है, जिस तरह ये बटन लगा हुआ है ये देखें तो गाड़ी यहाँ से लॉक हो गई, यहाँ बटन प्रेस किया तो गाड़ी अनलॉक हो गई। तो अगर आपने अब गाड़ी बंद करनी है तो यही आप देखें आपका ये जो ये बटन लगा हुआ है वही इसको आपने एक दफ़ा प्रेस करना है और आपकी गाड़ी हो जाएगी बंद। तो आज की वीडियो इतनी। अगर आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो यार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।